नमस्कार देवी और सज्जनों, हेलो फ्रेंड्स। वास्तु अजीत चैनल पे मैं अजीत जाधव सिविल इंजीनियर आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको भाग्य के साथ जुड़ा हुआ भाग्यांक के बारे में बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने रिश्तेदार और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अगर नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे जरूर प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए क्योंकि अंत में मैं आपको भाग्यांक शास्त्र के देवता श्री गणेश का प्रभावशाली संस्कृत मंत्र बताऊंगा। चलो प्रभु का नाम लेके शुरू करते हैं। भाग्य के साथ जुड़ा हुआ भाग्यांक मूलांक यानी कोर नंबर। प्राचीन काल से मानव जाति के मन में नियति के गूढ़ रहस्यों को भेद कर अपने भविष्य को जान लेने की लालसा रही है। इसी लालसा ने ज्योतिष विद्या को जन्म दिया। मानव ने ग्रहों की चाल का सूक्ष्म अध्ययन कर भौतिक एवं मानव जीवन में घटित होने वाली घटनाओं पर उनके प्रभाव जानने का यत्न किया। इसी क्रम में उसने अनुभव किया कि ग्रहों के साथ साथ अंक भी जीवन की घटनाओं को प्रभावित करते हैं। अंकों के रहस्य और शक्तियों को जानने का प्रयास हजारों वर्षों से होता रहा है। प्राचीन ऋषि मुनियों को अंकों के शक्ति का पता था, किंतु पूरी विद्या वे दुनिया को नहीं सौंप पाए, कुछ अपने साथ ही ले गए। तंत्रों के अंक चक्र तो अब भी मिल जाएंगे, किंतु अनेक फल में क्या गणित है यह बता पाना संभव नहीं है। फिर भी जो भी उसने पाया उसे और आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आज के टॉपिक में हम जानेंगे भाग्यांक और अपने भाग्य के बारे में। जैसे कि नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि भाग्य के साथ जो अंक जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, उसे ही भाग्यांक या मूलांक कहते हैं। आइए जानते हैं 1 से 9 अंक के स्वामी ग्रह और उनके कारकत्व। प्रत्येक अंक किसी ना किसी ग्रह से जुड़ा है, जिससे उस ग्रह की पॉजिटिव और निगेटिव ऊर्जा उसे प्रभावित करती है। 1 अंक का कारक स्वामी ग्रह रवि सन प्लैनेट है। स्वतंत्र विचार, उद्योग, स्फूर्ति, उत्साह, तल्लख बुद्धि और कला के प्रति प्रेम इनका बोध होता है। सूर्य सभी ग्रहों के केंद्र में है। सभी ग्रह नियमित रूप से सूर्य की प्रदक्षिणा करते हैं। इससे सभी ग्रहों को तेज और गति प्राप्त होती है, इसलिए रवि दाता है। 1 का मित्र अंक 3, 5 और 7 है। 2 अंक का कारक स्वामी ग्रह चंद्र मून प्लैनेट है। मुहूर्त शास्त्र चंद्र तिथि पर निर्भर है। चंद्र मन, माता, वास्तु सौख्य, आर्थिक स्वास्थ्य का कारक है। 2 के 4 और 8 मित्र अंक है। 3 अंक का कारक स्वामी ग्रह गुरु जुपिटर प्लैनेट है। मानवी जीवन मूल्य, विवाह, धर्म, प्रसिद्धि, यश, ये सभी मंगल कार्य बृहस्पति के नियंत्रण में होते हैं। जन्म पत्रिका में गुरुबल होना यानी आप अधिकृत टिकट लेकर प्रवास जर्नी कर रहे हो। 3 का मित्र अंक 1, 5, 6, 7 और 9 है। 4 अंक का कारक स्वामी ग्रह प्रजापति हर्षल प्लैनेट है। राहु को भी मानते हैं। मानव बुद्धि को विस्मित करने वाले कार्य हर्षल के निष्पादन के अंतर्गत आते हैं। हर्षल ग्रह में बुध की बुद्धि का 100 गुना और मंगल की शक्ति का 100 गुना निर्माण की ताकत है। हर्षल उच्च गणित कारक है, इसलिए देश अर्थ संकल्प, अंतरराष्ट्रीय उद्योग, गणक यंत्रे हर्षल दिखाता है। 4 का मित्र अंक 2 और 8 है। 5 अंक का कारक स्वामी ग्रह बुध मर्क्यूरी प्लैनेट है। बुध के प्रभुत्व में तल्लख बुद्धिमत्ता, चिकित्सकता, समय सूचकता, हाजिर जवाबी, प्रत्युत्पन्न मति आती है। बुध जावरी कृपा करी, लक्ष्मीवंत त्यास करी। बुध ग्रह आहे जासी नीट,
त्यासी सर्व मार्ग सुचति सुभट। 5 का मित्र अंक 1, 3 और 7 है। 6 अंक का कारक स्वामी ग्रह शुक्र वीनस प्लेनेट है। प्रेम, सहानुभूति और आदर का प्रतीक शुक्र देवता को कहते हैं। महंगे कपड़े, जड़ जवाहिर, सुगंधी अत्तर, नृत्य गायन वादन आदि का शुक्र कारक है। 6 का मित्र अंक 3 और 9 है। 7 अंक का कारक स्वामी ग्रह वरुण राजा नेपच्यून प्लेनेट है। केतु को भी मानते हैं। इसकी विशेषता बहुत ही रहस्यमय, पारलौकिक गति, अंतर्मन और अंतर्ज्ञान के कारक, विचारोत्तेजक, सपनों का कारक है। नेपच्यून सप्त सागर आध्यात्मिक दिव्य अनुभूति का कारक है। 7 का मित्र अंक 1, 3 और 5 है। 8 अंक का कारक स्वामी ग्रह शनि सैटर्न प्लेनेट है। जीवात्मा को शिवात्मा स्वरूप ये वृद्ध तापसी दर्शाता है। कड़ी शिस्तबद्धता, निश्चयी, कर्तव्य तत्परता, संसार से विरक्ति इनका स्थायी स्वभाव है। 8 का मित्र अंक 2 और 4 है। 9 अंक का कारक स्वामी ग्रह मंगल मार्क्स प्लेनेट है। आक्रमकता, लड़ाऊ वृत्ति, प्रतिकार, धाड़स, तत्परता का कारक मंगल है। भूमि संबंधी यानी किसान, इस्टेट ब्रोकर, जमींदार मंगल ग्रह के प्रभाव में आते हैं, इसलिए इसे भूमि पुत्र भौम भी कहते हैं। 9 का मित्र अंक 3 और 6 है। आइए जानते हैं भाग्यांक और प्रारब्ध अंक क्या है और उन्हें वेदोक्त गणित के माध्यम से शास्त्रोक्त कैसे निकालते हैं। प्रत्येक जन्म तारीख बर्थ डेट के लिए 2 तरह से गणना करके अंक निकाले जाते हैं। एक है भाग्यांक और दूसरा है प्रारब्ध अंक। निम्नलिखित तिथियों से ये स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपका जन्म 5 अप्रैल 1985 में हुआ तो आपका भाग्यांक 5 हो गया। अगर शाम की जन्म तारीख 15 है यानी 1 को 5 से जोड़कर 6 सूक्ष्म अंक आता है यानी भाग्यांक 6 हुआ। इस अंक का बहुत ही महत्व है, इसलिए इसे चमत्कारिक अंक भी कहते हैं। 24 यानी 2 अधिक 4 बराबर 6। भाग्यांक 6 के लिए भाग्यशाली वर्ष वही सिद्ध होंगे जिनका योग 6 होता है, या फिर मित्र अंकों के संबंधित वर्ष भी बेहतर सिद्ध होंगे। जैसे 6 भाग्यांक के लिए 1995, 2004, 2013, 2022 उत्तम सिद्ध होंगे और उसके मित्र अंक 3, 9 सहायक सिद्ध होंगे। 9 अंक से आगे की बढ़ी कौन सी भी तारीख आई तो उस 2 अंकों की बेरीज करके आखिर में एक संख्या नंबर लाओ, ये जो आखिरी अंक है उसे ही भाग्यांक कहते हैं। मान लीजिए कि आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हो तो आपको भाग्यांक की तारीख तिथि पर ही करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे 5, 14 या 23 तारीख को ऐसे कार्य जिसमें आपको यश मिलना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि वरिष्ठ अधिकारियों से पदोन्नति के लिए विनती करना, कंपनी के मालिक को पगार बढ़ाने के लिए छुट्टी देने के लिए मांग करना, YouTube, Google को महत्वपूर्ण पत्र या ईमेल करना, इन सारी चीजों को आप भाग्यांक या मूलांक के दिन पर ही अंजाम दे। एक पत्र, ईमेल लिखते समय मान ले कि तारीख वास्तव में 4 है, लेकिन उपरोक्त उदाहरण में आपका भाग्यांक 5 है तो आप पत्र पर 5 ही तारीख लिखिए। इसका अर्थ है कि 5 तारीख के तिथि के शुभ स्पंदन का सही प्रभाव पत्र पर पड़ता है और पत्र में लिखी आपकी इच्छा या मनोवांछित कार्य पूरा होता है। जैसे कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आने वाले वर्ष भी उतने ही महत्वपूर्ण और सफल है। उस उम्र में किसी के जीवन में या घर के वातावरण में कुछ अच्छी घटनाएं घटित होती है। उपरोक्त उदाहरण में 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60 आदि वर्षगांठ मित्रवत, महत्वपूर्ण
और अच्छी बीतती है। हर बार वही भाग्यांक पाने के लिए उसमें 9 को जोड़े। आपकी जन्म तारीख 11 है तो 1 और 1 जोड़कर 2 अंक आता है, यानी आपका भाग्यांक 2 है। 2 अंक में 9 जोड़े तो 11 आता है, 11 में 9 जोड़े तो 20 आता है, 20 में 9 जोड़े तो 29 आता है। ये सभी महीने के दिनांक उस व्यक्ति के लिए यशदायी और लाभदायी होते हैं। जिस वर्ष की बेरीज 2 आती है वे सभी वर्ष उस व्यक्ति के लिए भाग्यदायक यशदायक होते हैं। उदाहरण के तौर पर परीक्षा में यश, पहली नौकरी, जॉब, बिजनेस, विवाह, खुद का मकान, घर, बंगला आदि शुभ घटना इस वर्ष में हो सकती है। सिर्फ भाग्यांक के बारे में ही ऐसा चुनाव संभव है, चॉइस पॉसिबल है। हम सिर्फ सकारात्मक प्रयास कर सकते हैं। सकारात्मकता से आने वाली घटनाओं पर अपना अमल कम कर सकते हैं। निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। भाग्यांक आपकी बिजनेस, जॉब, परीक्षा, यात्रा में आपके जीवन में ऐसा रोल प्ले करती है जिसको करने के लिए सही कर्म जो है वो आपके सहयोगी होते हैं। सुबह और शाम के वक्त भाग्यांक हरे शाही से कागज पर लिखने से व्यक्ति को जीवन में अप्रत्याशित यश, सम्मान, खुशहाली और समृद्धि मिलती है। आजकल लोग अपने नाम की स्पेलिंग को बदलकर अपने भाग्यांक और प्रारब्ध अंक से मिलाने का प्रयास करते हैं। अंक ज्योतिष हमारे जीवन में चुनौतियों को जीतने का अवसर देकर भाग्य बदलता है, सफलता का यश देता है। अब सुनते हैं भाग्यांक अंक शास्त्र के देवता श्री गणेश का प्रभावशाली मंत्र। गजाननाय पूर्णाय सांख्य रूप मयायते विदेहेन च संस्थिताय नमो नमः। अर्थात जिनका रूप सांख्य शास्त्र से जानने योग्य है, जो शरीर से अदृश्य होते हुए भी सभी जगह स्थित है, ऐसे पूर्ण परमेश्वर गजानन को मेरा बार बार नमन है। इस विषय के टॉपिक के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चंस या क्यूरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए प्रभु की कृपा से खुश रहिए, सिद्धि, समृद्धि और सफलता पाइए।